भाइयों, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बिकॉज आज पूरा खुल के बात करूंगा एंड हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे किसी कारण इस वीडियो को प्राइवेट या डिलीट करना पड़ जाए, क्योंकि आज जो चीज मैं यहाँ एड्रेस करूंगा वो ऑफेंड नहीं बिल्कुल शीशा दिखाएगी। अब भाई उस शीशे को देख के, यानी कि अगर अपना चेहरा देख के खुद चिढ़ जाओगे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने अपने चेहरे पे ही ऐसा वर्क किया है। और हाँ भाई, गवार ऑडियंस को यहाँ लगे कि मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ, एंड ऐसे लोगों से अनुरोध है कि आप जाके अपने दिमाग के फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर कर ले, लेकिन तभी जाना जब आपको गु खाने से फुर्सत मिले। अब भाइयों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहले है, कुछ लोग मेरे को बोले थे भाई आप बहुत टॉक्सिक हो अपने वीडियो में। भाई मैंने एक गाली तक यूज नहीं करी है और मैं टॉक्सिक हो गया, क्या बात है भाई। एंड अगर मैं टॉक्सिक हूँ तो फिर ये बीजीएमआई क्रिएटर्स, वैलोरेंट क्रिएटर्स, ये जो गाली देके स्ट्रीम पे कूल बनते हैं, वो टॉक्सिसिटी नहीं होगी तुम्हारे लिए। तो भाइयों, ये तो हो गई समझदारी सी बात। अब थोड़े अपने वे में समझा दूं ऐसे लोगों को। भाई तुम लोग ना, ये जो कहते हो ना कि मैं टॉक्सिक हूं, भाई तुम जैसे लोग आज के टाइम नेटफ्लिक्स किड्स कहलाते हैं, यानी कि हाई एस्ट्रोजन हार्मोन वाले C12H22O11। टेक्निकल भाषा में शुगर, आम भाषा में मीठे, और मेरी भाषा में तुम एक छके हो। और यहाँ मैं ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, वो तो शिव शक्ति का प्रतीक है भाई। बट यहाँ मैं जिन छक्कों की बात कर रहा हूँ, वो बस पार्टी में जाके या ब्रो नया ब्रो करते रहते हैं, और ऐसे लोगों को मेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन टॉक्सिक लगती है। देन भाई जाके पोगो देखो और भीम और टुनटुन मौसी के साथ डार्क ह्यूमर अपना बनाते रहना। भाई ये लोग ना पढ़े लिखे गवाड़ों की पैदाइश है, और अगर सालों गाली दे दी ना तो कानों से खून निकल जाएगा और पैंट से टट्टी निकल जाएगी। सो तुम लोग एनपीसी हो, एनपीसी जैसे ही रहो, यानी कि बस तुम लोग फिलर हो इस वर्ल्ड के, नॉट इवन मेन एपिसोड। तुम्हारे एनिमे भाषा में समझा दिया है ये सब चीजें, अब बातें समझिए नहीं समझनी है तुम पे। नौ भाई, स्टार्ट करते हैं अपन गेमर से, जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई। देखो मैं इन सब अवेयरनेस चीजों पर पढ़ता ही नहीं, ये मेरा काम ही नहीं था, बट यहाँ की ऑडियंस एंड सो कॉल्ड गेमर्स ने अपनी गेमिंग की स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा गिरा ली है, जिससे अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है ये गेमिंग कम्युनिटी। बट भाई मैं तब भी इन सब चीजों में साइड ही था, एंड मैंने सोचा कि जैसे मैं कभी पीजीपी था, ये लोग भी वैसे ही है अभी एंड उभर जाएंगे भाई टाइम के साथ। बट भाई उभरने के बजाय ये लोग और दिमाग से पैदल होते जा रहे हैं। फ्री फायर, बीजीएमआई, जीटीए, माइनक्राफ्ट, ओ सॉरी माय बैड, फायर, फेक ड्रीम, ई स्पोर्ट्स, ग्राइंड मशीन, नकली GTA एंड वेस्टर्न कंटेंट का जूठन फॉर किड्स, इन सब चीजों के कारण ऑडियंस से लेकर डेव्स तक सब के सब इस लूप होल में ऐसे फंसे जिसका आउटपुट कभी बढ़िया नहीं आने वाला है। एंड सेम यही हुआ, लोगों ने इन गेम्स में पोटेंशियल देखा और अपना थर्ड क्लास क्लोन बनाने लगे, बिकॉज डेवलपर्स ने देखा कि ये सब गेम्स लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो हम भी कुछ ऐसा ही बनाते हैं। फिर आई मुंबई गलीज, इंडस, UGW एंड माइनक्राफ्ट के हजारों क्लोन। अब भाई देखो, यहाँ सबसे पहले स्टैंडर्ड गिरा डेवलपमेंट साइड का। जितने भी गेम्स मैंने बताई है, सब में वो बात ही नहीं है जो बात राजी ने सेट कर दिया था, वो एक बेंचमार्क बना के गई है गेम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड। बट गवाड़ों की फौज के कारण एंड पैसे खाने वाले छछुंदरों लोगों के कारण ये सब चीजें अभी भी चल रही है ना भाई। वो सेकंड डिग्रेड हुई स्टैंडर्ड में, यहाँ पे भाई यहाँ पे अलग सिचुएशन है यार, बंदा इतना भी प्रो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मोबाइल होता तब बताता ना नुबरे को, भाई पीसी है भाई, पीसी में इतना हार्ड हो ना। अब भाई तुम ही बताओ, जिस गेम को मैं गेमिंग के जॉनरा में मानता ही नहीं, जस्ट बिकॉज उसके स्टैंडर्ड इतने लो हैं, उनके क्रिएटर्स और प्लेयर्स ये सब चीजें कहते हैं, उनसे तुम कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो COD के लेवल के गेम खेल सकते हैं? COD हटाओ यार, वो अपना मारियो भी नहीं खेल सकते हैं, जहाँ पे हमारी जनरेशन हाई स्कोर्स के लिए लड़ती थी, कम्पीट करती थी। भाई लिख के देता हूँ मैं, ये टट्टी लोग मारियो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, कम्पीट तो छोड़ो भाई खेल नहीं पाएंगे। इतनी ज्यादा गिरी हुई, इतनी ज्यादा लो लेवल की, इतनी ज्यादा डाउनग्रेडेड एक्सपीरियंस इन लोगों ने गेन किया है गेमिंग के नाम पे। सो मैं भी साइड था भाई इन सब चीजों से, बट जब देखा ना सबसे पहला ट्रेलर मुंबई गलीज का, तब भाई दिल टूट गया। मतलब कि भाई आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जिनको एमुलेटर में मोबाइल गेम, माय बैड, जिनको एमुलेटर में गू गेम हार्ड लगती है। आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने बस पूरे जिंदगी नकली GTA ही देखा है, तो फिर गेम को तो बैकलैश मिलना ही था। जब आप लोअर स्टैंडर्ड लोगों को टारगेट करोगे तो भाई गेम कहां से अच्छी बनेगी ना। यहाँ नेटफ्लिक्स NPC बोलेंगे, पापा आपने इनको लोअर स्टैंडर्ड गरीब क्यों कहा, ये लोग कहां से लाएंगे पीसी अच्छे गेम खेलने के लिए। भाई सबसे पहली बात, ये लोग वेल्थ से लोअर नहीं है, गेमिंग और माइंड से लोअर स्टैंडर्ड के है। एंड दूसरी चीज, ये सब बहसबाजी से निकलोगे तब पता चलेगा, गेम्स लाइक ब्राइट मेमोरी, लिटिल नाइटमेयर, स्टैंड ऑफ 2 और भी कई सारे है भाई, इवन क्लाउड गेमिंग भी है मोबाइल पे बेस्ट ऑप्शंस विद Jio 5G नेटवर्क। बट पता है मजे की बात, एशिया का नंबर 1
1 गवाड़, ये सब चीजें नहीं बताएगा। हाउ टू यूज चीट्स इन चेस, वो भी लाइव स्ट्रीम में, यही स्टैंडर्ड सेट होती है आज के टाइम पे बाय टॉप गेमर्स और यूट्यूबर्स। एंड एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो भाई, वो फ्री फायर की कम्युनिटी से बिलोंग करता था। पिछले वीडियो में मैंने कही थी सबसे वर्स्ट चीज है, इनसे जितना दूर रहो उतना ज्यादा ही अच्छा है। रही बात बाकी की गेम्स की, मैंने भी खेली है BGMI, Minecraft, GTA 5, बट मैंने कभी वो गेम नहीं खेली जो तुम लोग खेलते हो और देखते हो, यानी कि फेक ड्रीम ईस्पोर्ट्स, ग्राइंड मशीन, नकली GTA और वेस्टर्न कंटेंट ऑफ जूठन फॉर किड्स। और जब तुम ये दोनों का डिफरेंस समझ जाओगे ना भाई, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएगी, एंड इससे हेल्प करने के लिए मेरी वीडियोस भी है। बट भाइयों, सबसे पहले आज तुम्हें गेमर का डेफिनेशन बता दूं फिर से, जैसा कि मैं हमेशा बताते आया हूं। जो लोग मल्टीपल गेम्स खेलते हैं, चाहे वो किसी भी डिवाइस पे हो, मोबाइल, कंसोल या PC, वो सब के सब गेमर में आते हैं। अब इस बात का काउंटर बहुत लोग करने आएंगे, बिकॉज उनकी मूत निकल गई और निकल के सीधे गई है उनके दिमाग में, क्योंकि दिमाग के अंदर ही उनका एल है। देखो, तुम अब फुदक के 1000 कमेंट कर लो, कुछ भी कर लो भाई, तुम गेमर हो ही नहीं। बट भाई, उन सभी चीजों से पहले एक चीज तुम मेरे को बता देना, तुम शेफ किसको कहोगे, जिसे 100 डिशेस बनाने आते हैं, या फिर उसको शेफ कहोगे जो बस एक टट्टी डिश बनाना जानता है। नो मैटर, आप महान होंगे टट्टी डिश बनाने में, बट आपको हम शेफ नहीं कह सकते। अब ये मत कहना ज्यादा गेम्स खेलने के लिए अच्छा PC चाहिए, भाई यहाँ लोग ग्राइंड मशीन के लिए फोन खरीद लेते हैं और उनको PC नहीं मिलेगा, क्या बात करते हो भाई। और ये भी छोड़ो भाई, उसी आईफोन में दूसरे ग्राइंड मशीन भी है, उसमें भी आप करियर बना सकते हो, बट आप बनाना नहीं चाहते क्योंकि आप शिफ्ट होना ही नहीं चाहते हो दूसरे चीजों पे, बिकॉज आपका ब्रेन वॉश्ड कम्प्लीटली हो गया एक फेक ड्रीम के कारण, एंड वो फेक ड्रीम है मस्टैंग लेकर घूमना। सो समझो भाई, आज मैं तुम्हें सबसे गलत इंसान लग रहा हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई, अब जो खेलते हो इतने सालों से वो कुछ नहीं रहा, अब दूसरे गेम्स पे फोकस करो, उसमें अपना करियर मत बनाओ। अगर ई स्पोर्ट्स या कॉन्टेंट क्रिएटर या कुछ और में जाना चाहते हो, बट आप इस हद तक वहाँ इन्वॉल्व हो गए कि पूरा स्टैंडर्ड गिर चुका है, वेल तो गाइस गेमर बनो, PGP नहीं। और गेमर बनने के लिए तुम्हें कोई हाई ग्राफिक्स गेम नहीं खेलना होता है, आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करो, एक्सप्लोर करो, वरना भाई एमुलेटर में भी गू चीजें हार्ड लेंगी और रह जाओगे ई स्पोर्ट्स ग्राइंड मशीन में पिसके। खैर भाइयों, ये थी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी, बिकॉज ये बस वार्म अप था फॉर द मेन टॉपिक, बिकॉज ये चीजें आपको प्रिपेयर कर देगी फॉर द अपकमिंग वायलेंस। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. ना भाई, पहले ही वार्निंग दे दूं, गेमार लोग, नेटफ्लिक्स NPC किट्स, मकाका, रेडियाटा, यूट्यूबर्स, गवार ऑडियंस, एंड लास्टली C12H22O11 लॉन्डो के लिए आगे जो भी होगा आप देखोगे वीडियो में, उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। और उछलने की जरूरत नहीं है, जब सकीरो खेल लोगे तब बात करना मेरे से। ओह माय बैड, वो गेम तुम लोग के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, पहले जाओ जाके मारियो कंप्लीट करो, उसके बाद कमेंट करना, स्पेशली माइनक्राफ्ट किट्स, क्योंकि आज थोड़ा सा रोने वाले हो तुम लोग, बिकॉज बहुत ज्यादा उछल रहे थे तुम लोग। खैर, आज औकात दिखाऊंगा और ये समझ लो वार्निंग है, वरना अगर अब उछले तो शीट फायर से ज्यादा गंदा रुलाऊंगा तुम सुअरों के बच्चों को। नाउ लेट्स स्टार्ट द रियल थिंग्स, जिसके लिए आप लोग आए थे। एंड हाँ भाई, मैं अपने आप को गेमर नहीं मानता हूँ, इसलिए बेइज्जती करूंगा दूसरे गेम्स की, बिकॉज मैंने इम्पॉसिबल मारियो नहीं कम्प्लीट किया, ना ही ब्लाइंड सकीरो चैलेंज कम्प्लीट किया, और ना ही नो हिट डैमेज इन एल्डन रिंग कम्प्लीट किया, इसलिए मैं खुद को गेमर नहीं मानता। देखो भाई, अगर किसी चीज को बर्बाद करना है तो उसमें बिजनेस या पॉलिटिक्स इंक्लूड कर लो, अच्छी से अच्छी चीजें बर्बाद हो जाती है। जस्ट लाइक अपनी बॉलीवुड, जब आप किसी क्लासिक मूवी को देखोगे एंड आज के टाइम के मूवी को देखोगे तो तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। पहले के लोग मूवी बनाते थे जिससे लोग कुछ लाइफ लेसन सीख सकते थे, इवन फ्रॉम द सॉन्ग्स टू, बट आज ठीक उल्टा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड, बूजीनेस। सेकंड थिंग, इंडिया के मोस्ट ऑफ द गेमिंग क्रिएटर्स जब बिना पैसे के चिंता किए जब यूट्यूब पे आए थे, तब वो लोग ना अपने कॉन्टेंट के लिए एक एम लेके आए थे कि यार गेमिंग को बढ़ाना है, बट वो सब एम हट चुका है यहाँ के गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से, बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गेमर फ्लीट। एंड गेमर फ्लीट के अर्ली डेज में कुछ गोल्स थे कि वो गेमिंग को बढ़ाएगा, अच्छे गेम्स खेल के लोगों को दिखाएगा, बट उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया। एंड ऐसे सेम कहानी और भी गेमर्स की होंगी जो आज शिफ्ट हो गए बहुत से दूसरे गेम्स पे। चलो भाई ठीक है, एक टाइम के लिए हम लोग मान लेते हैं हमने सपोर्ट नहीं किया ऐसे क्रिएटर्स जब उनको नीड थी, बट उसके बाद जब ऑडियंस वगैरह
तारा बन गई, अच्छा खासा कमाने लगे चैनल के थ्रू, तो तब उसके चैनल का एम वेम गया भाड़ में। वो टोटली चेंज हो गया बिजनेस हब में, एंड जहाँ पे कस्टमर्स जहाँ बच्चे आते हैं और कॉन्टेंट लेते हैं फिर चले जाते हैं। नाउ ये चीज गुड थी सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए इन टर्म्स ऑफ फेम एंड वेल्थ, बट जो सोच गेमर फ्लीट लेके आया था वो उसने खो दिया बिकॉज ऑफ मनी। एंड ऐसा नहीं था दोस्त कि उसे लोग देखते नहीं अगर वो 5 वीडियोस में से 3 वीडियोस गेम ऑफ द ईयर का दिखा देता। यार वो गेमर ऑफ द ईयर है यार, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग कि वो खेल सकता है एल्डन रिंग। बट भाई इन जैसे कई लोग इतना ज्यादा अंधा हो गए पैसों के चक्कर में कि इनको कोई मतलब नहीं है गेमिंग क्या होती है, ये सब चीजें भूल चुके हैं। और बात सिर्फ इसके लिए नहीं है, वो हर एक लोग जो पैसों के लिए गूपंती करते हैं लाइक इंडस के डेवलपर्स जो स्कैम करते हैं, या फिर ई स्पोर्ट्स के साइड के लोग जो कि स्लॉट बेचते हैं टूर्नामेंट्स के, ये लोग इतने अंधे हो गए पैसों में, ये क्रिएटर्स ऑडियंस का कुत्ता बन के फिरते हैं, टिप्स कुत्ता बनते हैं इन्वेस्टर्स का। एंड भाइयों इन सभी क्रिएटर्स में मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया गेमर फ्लीट ने, बिकॉज क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ भाई वो दूसरे गेम्स खेलता होगा लेकिन ऑफलाइन, तो भाई ऐसा क्यों? भाई यार तुम ऑलरेडी सेटल्ड हो, फिर क्यों आखिर क्यों कुत्ता बनते फिरते हो, रोटी के पीछे भाग रहे हो 10 साल के झटूड़े बच्चों के लिए क्योंकि उन्हें माइनक्राफ्ट देखना पसंद है? तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ती है, तुम्हें नाच आते हुए वो टट्टी गेम खेलनी पड़ती है जस्ट फॉर द किड्स? ना 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 ना, जस्ट फॉर द मनी। एंड वो बस अब पैसों पे ही फोकस कर रहा है, बल्कि उसे फोकस करना चाहिए था गेमिंग पे। गेमिंग को आखिर कैसे बढ़ाए, डाइवर्सिफाई कैसे करे? भाई वो गेमर ऑफ द ईयर है, उससे लोग इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या कि वो इंडी गेम ऑफ द ईयर खेले, लाइक सी ऑफ स्टार्स खेले? चल भाई गेम ऑफ द ईयर छोड़ो हटाओ, नॉमिनेटेड गेम्स तो खेल सकते हैं ना एटलीस्ट यार, इतना पालतू कुत्ता बन गए हो पैसों का। भाई ऐसे लोग बहुत ज्यादा हद तक पैसों का गुलाम बन चुके हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। एंड भाई देखो कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो स्टार्टिंग से ही चू हैं, यानी कि चूट्यूबर्स, जैसे कि यस स्मार्टी पाई और अदर पीजीपी स्ट्रीमर्स गेमर्स जिसने कभी दूसरा गेम छुआ भी नहीं होगा, वो भाई इन कुत्तों से भी ज्यादा बदतर है, ये सारे लीचर है, एक ही गेम का ये लोग खून निकाले जा रहे हैं। इनकी मिल्क निकालने वाली टाइम कब की चली गई भाई, ये अब बस खून निकाले जा रहे हैं गेम से जस्ट फॉर वन शिट थिंग, पैसा। एंड भाई मेरा सवाल है ऐसे लोगों से, भाई भीखमंगे पैदा हुए थे क्या जो इतने पैसों की तरफ भागते हो? और साले रियलिटी में भीखमंगा भी नहीं भागता होगा इतने पैसों के पीछे जितने ये लोग भागते हैं। और मेरे को इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं होती, बट इन्होंने एक चीज लिख कर रखा है, खुद को कहते हैं ये गेमर, और गेमर का फर्ज है मल्टीपल टाइप्स ऑफ गेम्स खेलना एंड अच्छे गेम्स को प्रमोट करना ताकि डेव्स एंड प्लेयर्स दोनों के स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ना कि बस एक ही सिंगल सीट खेलते रहो। एंड उसमें भी ये लोग उस सिंगल सीट को एक्सप्लॉइट करते रहे हैं बाय कॉपिंग वेस्टर्न यूट्यूबर्स। पता है भाई मेन दिक्कत क्या हो गई है, ये लोग बन गए बिजनेस मैन, इनकी कंटेंट क्रिएटर स्ट्रीमर डेव्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर एंड ऑल सभी की सभी लोगों के आत्मा मर चुकी है भाई गेमिंग के मामले में। अब कुछ बच्चे रोएंगे कि भैया मैंने माइनक्राफ्ट को ऐसे क्यों बोल दिया, शिट बोल दिया। उनको एक बात कहना चाहता हूँ, सालो अंडों से निकले चूजो, औकात तो है नहीं तुम लोगों की खुद से माइनक्राफ्ट लेने की 35 रुपए की आई थी प्ले स्टोर पे। तुम लोगों के अगर बाप के पैसे साइड कर दूं ना भाई तो तुम लोग भिखारी हो, बस बचते रहोगे। एंड मैंने भी माइनक्राफ्ट खेला है, एंडर ड्रैगन से मैंने भी फाइट करी है विद नेदरराइट वेपन, बट उस टाइम बच्चा था और ये गेम उसी टाइम तक ठीक थी, बट यूट्यूबर्स ने इसको इतना गंदा एक्सप्लॉइट किया कि अब टट्टी हो गई है। एंड गाइस तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये जो उछलते हैं ना बच्चे, ये साले नकली माइनक्राफ्ट वाले फटीचर के बच्चे हैं। जाके पहले भाई तुम लोग असली माइनक्राफ्ट खेलो, उसके बाद मेरे से बहस करने आओ, एंड हाँ खुद के पैसों से खरीदना। अब भाई देखो हो सकता है बच्चों वाली गेम ग्रोनअप्स को भी पसंद आए, बट भाई आप लोग इतने तो मैच्योर हो ना यार, ये बातें समझ जाओगे कि माइनक्राफ्ट को भी इन यूट्यूबर्स ने बहुत हद तक रुइन कर दिया है बिकॉज ऑफ मनी, उसको मिल्क करते करते खून निकाल दिया इन्होंने, तब भी ये साले रुकेंगे नहीं और उसमें भी बाहर के कंट्री को कॉपी करेंगे स्मॉल से स्मॉल स्टेप। एंड दैट्स व्हाई आई हेट दिस यूट्यूबर्स, इनके कारण गेम की रेपुटेशन खराब हो जाती है। एग्जांपल दूं तो छपरियों को तुमने देखा होगा आईफोन लेके घूमते हैं डबल कैमरा वाली। अब देखो भाई दिक्कत ये नहीं है कि वो खरीद सकता है या नहीं, कैसे रहता है या नहीं, मेन पॉइंट है छपरी की हरकतें जो है ना, उन सबसे आईफोन की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है, स्पेशली दो कैमरा वालों की। बस सेम इसी तरह से माइनक्राफ्ट GTA 5 की रेपुटेशन इन्होंने इतनी ज्यादा खराब कर दी है बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली थिंग मनी। अब यहाँ फ्री फायर पर डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये गेम बस बनी है छपरियों के लिए, गधे के बच्चों के लिए। तुम्हें मैं ये दिखा दूं। हेलो भाई कोई हमको हम खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज दूंगा जो हमको फ्री फायर जो
हमको साथ खेलेगा ना फ्री फायर, उसको हरा दूंगा। अब बताओ भाई, साले इस चुतंदर की नाक साफ नहीं है और इसको करनी है 1v1, वो भी गूची इसमें। भाइयों मैं दुनिया की हर गेम को ना रिस्पेक्ट दे दूं एक सर्टेन टाइम के लिए, लेकिन फ्री फायर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं भाई। और इन पे ना भाई मैं अपने कुत्ते एलेक्स से भी ना मुतवाऊं, एंड बीजीएमआई वाले खुश ना हो ज्यादा भाई। तुम लोग के पास भी दिमाग नहीं रहता था, मैं भी जब खेलता था तब मैं भी दिमाग से पैदल ही था। और ई स्पोर्ट जो रोना रोते हो ना, एंड उसमें भी बहुत ज्यादा बुजीनेस इन्वॉल्व है, पैसों से स्लॉट्स वगैरह खरीदे जाते हैं, लेकिन नहीं ट्रॉफी के चक्कर में इतना अंधे हो गए हो कि कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए सजेस्ट करूंगा ये स्पोर्ट्स वाली वीडियो देख लेना ना भाई। बहुत लोग कह सकते हैं कि भाई आप ये सब वीडियो बनाते हो पैसों के लिए और इन सब चीजों के लिए। भाई 2.5 इयर्स हो गए यूट्यूब पे, आज तक एक रुपीज नहीं आया मेरे पास, ना व्यूज देखता हूँ ना कुछ। और अगर मेरे को भी बिजनेस चलाना होता ना भाई, तो मैं भी GTA 5 में KTM उड़ा देता, माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाता, बाहर के क्रिएटर्स को कॉपी करता, इजी 2-3 मिलियन तो भाई 2 साल में आराम से इजी ऐसे हो जाते भाई। बट भाई एक चीज होती है खुद का ईमान। तब भी भाई जब स्पॉन्सर्ड वीडियो की प्रमोशन आई ना मेरे पे, मैंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो लोग कह रहे थे फुल्ली डेडिकेटेड स्पॉन्सर्ड वीडियो चाहिए। भाई चंद पैसों के लिए मैं खुद की नजरों में नहीं गिर सकता, बट आपके जो ये यूट्यूबर्स हैं, ये चंद पैसों के लिए कुत्ता और लीचड़ बनने सब चीज रेडी है भाई। एंड भाई सबसे बड़ी बात बताता हूँ जो ये प्रूफ करता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। इंडिया का हर एक चैनल, हर एक यूट्यूब चैनल तुम कोई भी उठा के देख लो, सबके सब नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज करते हैं। सिर्फ मैं हूँ वन एंड ओनली पीस जो ये नहीं करता। जो म्यूजिक मुझे पसंद आती है चाहे वो किसी भी सिंगर का क्यों ना हो, मैं वही यूज करता हूँ, बिकॉज मैं खुद का एक्सपीरियंस नहीं खराब कर सकता। वेल इसका खामियाजा भी भुगता हूँ मैं, कुछ वीडियोस में क्लेम आ गई थी, लेकिन इन सबसे बड़ा है मेरा खुद का एक्सपीरियंस, वो नहीं खराब होना चाहिए, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब भाई देखो बहुत से नेटफ्लिक्स किड्स एंड माइनक्राफ्ट वाले बच्चे बोलेंगे गेमर शुड रिस्पेक्ट एवरी गेम, एंड भाई मैं खुद को गेमर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इम्पॉसिबल मारियो नहीं कम्प्लीट किया है। और भाई ये जो माइनक्राफ्ट खेलने वाले बच्चे हैं ना, सालो तुम्हारी मम्मियां चुरा लूंगा, तुम लोग चिरांड एनपीसी हो। जो मेन टॉपिक है वो समझो, बहस मत करो, वरना भाई मुद दूंगा माइनक्राफ्ट पे। एंड मेन पॉइंट इज पैसों के लिए जो कंटेंट बनाते हैं उन्हें थोड़ा कम देखो, वरना दिमाग से टोटली गू बन जाओगे फ्री फायर वाले लॉन्डो की तरह। और बहस तभी करना जब मारियो कम्प्लीट कर लोगे। और जो रोहित मेहरा जैसे बड़े होके भी माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, कंटिन्यू करो अपनी जर्नी। जो ये नहीं समझ सकते कि ये बच्चों की गेम है, उन्हें मैं क्या ही समझा सकता हूँ। तुम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ गधे की तट्टी यानी कि यूजलेस। वेल माइनक्राफ्ट वालों को ट्रेलर मिल गया होगा एंड बाकी ऑडियंस को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नो गाइस अब चलते फाइनल सेगमेंट पे यानी कि पॉलिटिक्स पे। देखो गाइस ये बिजनेस ऐसा नहीं होता है जो तुम्हें डिक्लाइन ही देगा, यहाँ आइदर इट कैन गो इन प्लस और इन माइनस, डिपेंड ऑन द पर्सन। अब भाई देखो जिनको नहीं पता होगा, हमारे देश के सो कॉल्ड गेमर्स सॉरी गेमर्स मिले थे देश के पीएम के साथ यानी कि नमो ओपी के साथ। खैर अब भाई जो तुम चाहते हो वो नहीं तुम्हें मिलने वाला, बिकॉज मुझे याद आ गया कि मैं इंडिया में रहता हूँ जर्मनी। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मैंने सोचा था कि बहुत कुछ बोलूं इन सब के ऊपर, पर जब मैंने वो इंटरव्यू देखा आधे घंटे वाली, उसमें नमो ओपी ने ही सबकी ले ली थी। बट स्टिल विल गो अराउंड, एंड सबसे पहले वहां एक्चुअल में गेमर कौन था, तो भाई बस एक बंदा, एंड वो था तीर्थ मेहता। उसको एक्चुअल में बहुत नॉलेज थी गेमिंग से रिलेटेड, एंड मैं ये चीजें मजाक में नहीं कह रहा हूं। अब भाई ऐसे पूरे इंटरव्यू में 4-5 times ये चीज हुई होगी कि कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, एंड बस यही एक बंदा था जिसकी आंसर कर रहा था, क्योंकि भाई वो एक एक्चुअल गेमर था, उसे नॉलेज थी गेमिंग की। बट बाकी गेमर लोगों के लिए वो चीजें आउट ऑफ सिलेबस हो गई, क्योंकि पूरे जीवन तो बस एक ही गेम पे अटके थे, कहां से पता चलेगी दूसरे गेम्स के बारे में। वेल दो बंदे तो इवन गेमर ही नहीं थे, बट स्टिल वहां पे थे। सबसे पहले अनिमेश AKA थग ओपी, जो कि भाई गेमर से ज्यादा बिजनेसमैन है यानी गंजेड़ी भी है, और 1% नॉलेज नहीं है इसको गेमिंग की, लेकिन भाई उसको इतना तो पता है बिजनेस चलता कैसे है। एंड ऐसे बेफालतू यूजलेस टू द कम्युनिटी के लोगों को 0.1% भी डिजर्व नहीं करना था वहां पर, बट फिर भी आ गए। एंड फिर तुम्हारा आया मिथ पैट। भाई जैसे इसकी हरकतें है ना, इस पे एक वर्ड सूट करता है, ढिंग टेलू। इसका मतलब कद बड़ा है बट बुद्धि अभी भी तुम्हारे घुटनों में। और भाई इसमें बंदर वाले हार्मोन अभी तक एक्टिव है, एंड तभी ये इंटरटेनर है नॉट अ गेमर है। एंड ये चीजें आपको इंटरटेनमेंट जॉनरा के लिए ठीक लगती है, गेमर के लिए नहीं भाई। एंड ये चीज नहीं आती है बॉस गेमिंग में। तो भाई सेम लाइक बिजनेस गाय 0.1% भी ये
डिजर्व नहीं करता था। अगर कोई बिजनेस या एंटरटेनमेंट वाली कॉन्फिडेंस होती तो ये दोनों उसमें 100% डिजर्विंग थे। अब भाई अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है कि ये दोनों बंदे अनिमेश और मिथपैट यहाँ डिजर्व करते थे, इमीडिएटली अनसब्सक्राइब कर दो वैसे लोगों को, बिकॉज वो लोग रोहित मेहरा हैं। उम्र तो बढ़ गई है बट बुद्धि नहीं बढ़ पाई। एंड ऐसे लोग NPC गेमिंग कम्युनिटी के जिन्होंने आज तक मारियो नहीं कम्प्लीट किया है और गेम खेलने के नाम पे बस GTA 5 और COD ही खेली होगी। एंड भाइयों बाकी चार लोगों को तो तुम्हें पता ही है। एंड इन मीन टाइम नमो ओपी ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे गेमिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड। अब भाई चोर से चौकीदार के क्वेश्चन पूछोगे तो अजीब नहीं हो गया ये कुछ? आई नो कि एक तीर से दो निशाने हो गए बट वो मेरा जॉनर नहीं है इसलिए यहीं पे रहता हूँ। तो भाई एसिड यूएल और गैम्बलिंग दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और इनके खिलाफ अगर बोलोगे तो चैनल पे फेक स्ट्राइक पड़वा दी जाती है, चैनल डिलीट करवा दी जाती है। एंड यही चीज हुई थी हार्डस्कोप एक यूट्यूबर के साथ जब इसने इनको एक्सपोज करा था अबाउट दियर रिलेशन विद गैम्बलिंग स्कैम्स, जो आप लोग सर्च करके देख सकते हो YT। भाइयों इन चोरों की फौज को खुद पता नहीं है गेमिंग और गैम्बलिंग क्या है, पैसों के चक्कर में अपना ईमान बेच रहे हैं तो दूसरे बंदे क्या ही कर सकते हैं। इन पे एक मीम बहुत अच्छी सेट करती है। कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है बहन। अभी देखिए तो हिजड़े जाना है। यार इन किन्नरों को मोहल्ले में घुसने ही नहीं देना चाहिए, जब देखो ये करते रहते हैं। अब देखो भाई यहाँ ना एक पॉइंट बहुत लोग बोलेंगे कि यार ऐसे नहीं करते ये सब चीजें भाई, तो भाई मैंने पहले ही कह दिया था इन सुअरों से लॉजिक में बात कर ही नहीं सकता मैं। मैच्योर्ड में बात करोगे तो इनको समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि सालों की IQ माइनस में है। एंड इसलिए जब इनसे लॉजिक में बात करोगे तो फिर स्ट्राइक दे देंगे और ये सब हरकतें नपुंसक वाली है। तो एज अ फाइनल वर्डिक्ट, मॉडल द 2 times विनर ऑफ समथिंग शेट बिकॉज ऑफ गवार ऑडियंस, वो 2% भी डिजर्व नहीं करता था यहाँ पे बिकॉज उसने अपने ऐसे 12 के मेंबर्स को के एक स्कैम और गैम्बलिंग साइट को प्रमोट करवाया था। तो भाई को ऐसे लोग तो बिल्कुल भी आने नहीं चाहिए बिकॉज आप ओनर हो वहाँ के, आपके अंदर ये सब चीजें चल रही हैं और आप चंद पैसों के लिए स्कैमर के साइट को प्रमोट कर रहे हो। इन इजी टर्म्स इससे अच्छा धंधे वाली काम करती है, कम से कम मेहनत का तो खाती है और हक का खाती है। विल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंटेंडर। अब एक मस्त क्वेश्चन पूछा नमो ओपी ने पायल गेमिंग से अबाउट गर्ल एंड ऑल इन गेमिंग थिंग। ओ माय बैड, अबाउट गर्ल्स एंड ऑल इन गेमिंग कम्युनिटी। एंड भाई नमो ओपी पूछ भी किससे है? आई मीन वो लड़की जो दूसरों को यूज करके पहुंची एक स्टेज पे और उस स्टेज पे बस एक कारण से पहुंची है, बिकॉज ऑफ आवर गवार सिम ऑडियंस जो कि सबको पता है क्यों देखती है वो इनकी स्ट्रीम्स। अब भाई ऐसे बिना स्किल्स वाले रंग बदलू कमेलियन को 0.0% भी डिजर्व नहीं करती ऐसे गेमिंग कॉन्फ्रेंस में। अब इन जोकरों के अलावा एसके रोशी भी था जो मैं मानता हूँ एक ट्रू ई स्पोर्ट्स प्लेयर है एंड उसने भी कुछ बातें कर जिससे भाई वो मेरे को लगा कि यार सही है। बट भाई गेमिंग और कम्पिटिटिव ग्राइंड मशीन दोनों ही अलग चीज है, आप दोनों को एक थाली में रख ही नहीं सकते और ना ही कंपेयर कर सकते हो। यहाँ गेमिंग में लोग रिलैक्स होने के लिए खेलते हैं गेम, बट कम्पिटिटिव में लोग ट्रॉफी के लिए खेलते हैं। वैसे ये चीज नॉन डिजर्विंग बोझे के लिए वैलिड नहीं होती है। फिर भाई गेमर फील्ड को तो आप जानते हो, उसने वहां एक्सेप्ट भी कर लिया कि एक्टिंग करता है, बच्चों वाली हरकतें करता है क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट गेम ही है बच्चों वाली, तो भैया डिजर्विंग तो ये भी नहीं था वहां। भाई लेकिन मैं नाराज हूं यहां पे अज्जू भाई क्यों नहीं थे यार? टोटल आर्मी अपने अज्जू भाई, एशिया के टॉप गेमर, द गोट, द लेजेंड, द मिथ, द मैन, वो आखिर कहां बिजी थे भाई? ओ याद है भाई, वो तो चेस में चीटिंग करने में बिजी थे। अब भाई जो एक बात बुद्धि में डाल लो, गांठ बांध लो, इस चैनल का एक ही धर्म है गेमिंग, एक ही कास्ट है गेमिंग एंड एक ही लॉ एंड ऑर्डर है गेमिंग। इसके अलावा मैं कहीं और नहीं जाऊंगा और ना ही आप लोग जाना। आई होप मेरे पॉइंट क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो के बाहर मेरे को कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करता दिख गया तो मैं उसे फोर्सफुली पकड़ के फ्री फायर खिलवा दूंगा और हर किल पे फोर्सफुली उसे कहने को बोलूंगा ठन खचक भूया। एंड एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता गेमिंग से क्योंकि उनके लिए अभी ये एक बीमारी है। सो आप समझ गए होंगे एंड इंटरव्यू के कंक्लूजन भी यही था कि गवर्नमेंट को दूर रखना चाहिए इन सब चीजों से बिकॉज ये अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज पे है। और भाई गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट होने से पहले यहाँ के कचड़े लोगों को साफ करना है क्योंकि भाई यो हम लोगों ने इतने साल जो गूक
खाया है, पूरी की पूरी कम्युनिटी भद्दी हो गई है। ऐसी कम्युनिटी बन गई कि भाई जिसपे बाहर वाले बंदा कोई थूके भी ना। एंड ये जो भी कॉन्फ्रेंस थी वो बस एक पॉलिटिकल स्टंट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नौ भाइयों, एट लास्ट बहुत ज्ञान के खोदे लोग यहाँ आएंगे और बेफालतू के कमेंट करेंगे। उनको सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, कमेंट तभी करना जब आपने मेरी 4 रिसेंट वीडियो देखी होगी, क्योंकि आप नहीं जानते हो ना मेरे को और ना ही मेरे कंटेंट को, तो इंटेलेक्चुअल बनने का कोई फायदा है नहीं। मेरे लिए तुम लोग बस एक NPC दिखोगे। एंड भाई अगर बात करनी है तो डिस्कॉर्ड पे ऐसे गेम्स खेल के आना जिससे बात करने लायक बनो, वरना भाई तुम लोगों की वैल्यू मेरी नजरों में बस एक गधे की टट्टी है, यानी कि यूजलेस। सो जाओ जाके अपनी मालिक की चाटो सो कॉल्ड गेमिंग कम्युनिटी के गेमर्स की, क्योंकि मेरे जैसे जेमर्स जमीन देख के खोद देते हैं और फेक गेमर देख के समझ गए होगे भाई, इतना तो बुद्धि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुम लोगों से। एंड भाइयों, अच्छे लोगों के लिए, रियल गेमर्स लोगों के लिए हमेशा दिल का दरवाजा खुला रहता है। एंड ऐसे ही रियल गेमर्स से रिक्वेस्ट है, भाइयों इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी नोन गेमर्स हैं आपके आसपास सबको ये वीडियो भेजो, हर एक बंदे को। एंड भाई अगर आप भी हमारी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो भाई आज ही IGC डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, वहाँ ऑलरेडी 3700 प्लस मेंबर्स क्रॉस कर गए हैं एंड आप जैसे रियल गेमर्स आके वहाँ की शान बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए भाइयों एक लास्ट मैसेज, किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, जब ये लोग गेमिंग के नाम पर पूरे कम्युनिटी एंड गेम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो भाई गुस्सा आता है, वरना भाई मॉडल भी अपने जगह पे सही होगा एंड सभी लोग अपने जगह पे सही होंगे, क्योंकि भाई मेरे लिए गेम्स मोर देन जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। एंड भाई तुम लोगों को पता है मैं कितना बड़ा फ्री फायर लवर हूं। वेल मैंने ऐसे कभी पहले कहा नहीं था, बट अब कहता हूं, अगर तुम्हें कहीं भी फेक गेमर दिखे रुला दो सालों को, कमेंट करके VC पे जैसे तैसे मतलब रुला दो, उन्हें पछतावा होना चाहिए एंड ऐसा रुलाना जैसे उन्होंने हमें रुलाया था गेमिंग के नाम पे, उनसे 10x ज्यादा रुलाना ऐसे यूट्यूबर्स क्रिएटर्स एंड गेमर्स लोगों को। वेल लास्ट में अब बस अलविदा लेना चाहता हूँ सभी लोगों से एंड आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। भाई यार एक मिनट टाइम देना सब अपना, भाई मैंने जरा सा भी अज्यूम नहीं किया था कि इस वीडियो को बनाने में मेरे को 6 वीडियो की मेहनत और टाइम लग जाएगी एंड बहुत ज्यादा मेहनत लग गई एक्चुअल में। सो यार प्लीज एक लाइक तो ड्रॉप कर देना यार, बिकॉज ये वीडियो होगी बाद में, बट कसम से भाई बहुत ज्यादा मेहनत, हद से ज्यादा मेहनत लग गई। एंड तक देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो भाई लोग, इट विल गिव मी मोटिवेशन टू वर्क लाइक हेल।